दोस्तों नमस्कार, 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में मैं आपको कोई वीडियो ना तो दिखाने वाला हूं, ना कोई वाइट सुनाने वाला हूं, ना कोई दृश्य आप देख पाएंगे। मैं एक आलेख को पढ़ने वाला हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने पढ़ा। विषय बड़ा महत्वपूर्ण था, सब्जेक्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आज के ताजा तरीन स्थिति को देखते हुए, और लिखा भी है तो वो हमारे श्रवण गर्ग साहब ने लिखा हुआ है, देश के बहुत बड़े और वरिष्ठ पत्रकार। तो वो जो कुछ भी लिखते हैं तो जो उनकी एक सूची है व्हाट्सएप की, उसमें से मेरा भी एक नाम है तो मुझे भी मिल जाता है, तो मैं पढ़ लेता हूं। तो मैं जब आज पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आज इसको आप तक पहुंचाना चाहिए। ये जो आलेख लिखा है श्रवण गर्ग साहब ने, उसको आप तक पहुंचाना चाहिए। तो मैंने आलेख खोल के जो है सामने स्क्रीन पे अपनी रखा हुआ है और मैं इसको जो है पढ़ना शुरू करने वाला हूं। आलेख जो है वो अब आज के हालात में देश का जो बहुत बदनाम हो चुका है वो मीडिया और उसकी भूमिका को लेकर है, और बहुत बेहतरीन लिखा है गर्ग साहब ने। मैं पढ़ना शुरू करता हूं। इनकी एक जो है ना वो एक सीरीज है, मतलब वो इस शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं कि सवाल यह है कि, ये इनका एक कॉमन हेडिंग रहता है या तो टॉपिक है, उसके अंतर्गत फिर अलग अलग विषयों पर अलग अलग पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल बातों को वो बिल्कुल जो है पूरी तरह से उसका आकलन करते हैं। तो आज श्रवण गर्ग साहब ने जो आलेख मुझे भेजा है, मेरे पास जो आया है, उसमें उन्होंने जो सवाल ये है, मैं जो लिखा है वो ये है कि शीर्षक है मीडिया के एजेंडे पर अब कौन, मजबूर सत्ता या मजबूत जनता। बड़ा इंटरेस्टिंग शीर्षक है ये, मीडिया के एजेंडे पर अब कौन, मजबूर सत्ता या मजबूत जनता। तो गर्ग साहब इसमें लिखते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जनता का एक बड़ा वर्ग जानने को उत्सुक है कि अब जबकि चुनाव संपन्न हो गए हैं, तमाम अनुमानों को अंगूठा दिखाते हुए नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है, सरकार की सेवा में समर्पण भाव से दिन रात जुटे टीवी चैनलों और अखबारों की जिंदगी में भी कुछ फर्क पड़ेगा या सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे, सब कुछ पहले जैसा ही चलने वाला। ये सवाल पूछा है गर्ग साहब। किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद जैसे लोगों की समझ में नहीं आता कि सामान जो होता है अपना सामान कहां से बटोरना शुरू करें। किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद जैसे लोगों की समझ में नहीं आता कि सामान कहां से बटोरना शुरू करें, तूफानी चुनाव के बाद मीडिया को लेकर भी पाठकों या तो दर्शकों की हालत वैसी ही है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में संपन्न हुई मतदान की प्रक्रिया, उसके साथ साथ और पहले चला धुआंधार चुनाव प्रचार, उसके पहले हुए दलों के बीच गठबंधन, टिकटों के बंटवारों से नाराज उम्मीदवारों का दल बदल की जो है वो रस्म अदायगी, चाचा नीतीश कुमार को लेकर बना नाटकीय घटनाक्रम, सब कुछ किसी लंबे टीवी सीरियल की तरह पाठकों और दर्शक हैं उनके मनोमस्तिष्क पर छाया रहा। चुनाव के दौरान जनता टीवी यूट्यूब चैनलों और अखबारों के पन्नों के साथ वैसी ही चिपकी रही जैसा कि किसी समय में रामायण महाभारत और चाणक्य आदि धारावाहिकों के समय हुआ करता था। 9 जून की शाम राष्ट्रपति भवन परिसर में फिल्माए गए अंतिम दृश्य के बाद, उसके बाद से लोगों को सूझ नहीं पड़ रही है कि अब अपना टाइम पास कैसे करें। बहुत खूब लिखा है साहब गर्ग साहब ने। गर्ग साहब आगे लिखते हैं,
नागरिकों की बड़ी चिंताओं में इस बात का शुमार भी किया जा सकता है कि अपनी पहली दो पारियों में निरंकुश बहुमत का एकाधिकारवाद भोग लेने के बाद अगर किसी सरकार को तीसरी पारी में बैसाखियों के सहारे ही तो है, और क्या है, बैसाखियों पर सांस गिनना पड़े तो उस दौरान मीडिया की भूमिका क्या होना चाहिए, ये है मूल सवाल। कहा जा रहा है कि पिछली दो पारियों की तुलना में तीसरी पारी में भाजपा को मिले कमजोर समर्थन के पीछे भी असली ताकत तो गोदी मीडिया की ही है, खास करके हिंदी पट्टी में। इनमें टीवी, अखबार और सोशल मीडिया शामिल है। मीडिया की भूमिका अगर निष्पक्ष रही होती तो नतीजे काफी चौंकाने वाले। गर्ग साहब आगे लिख रहे हैं कि आपातकाल 1975 में उस दौरान मीडिया की भूमिका के बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने टिप्पणी की थी कि इंदिरा गांधी सरकार ने तो मीडिया से सिर्फ झुकने के लिए कहा था पर वो तो घुटने के बल रेंगने लगा। मोदी जी के 10 साल के राज्य के बाद या उस दौरान आडवाणी जी ने ना तो कभी मीडिया के रेंगने को लेकर कोई टिप्पणी की और न ही स्वयं की भूमिका को लेकर। जिस तरह घोषित आपातकाल के दौरान अधिकतर लड़ाई या तो जनता ने लड़ी थी या फिर मीडिया के उस छोटे से वर्ग ने जो सत्ता प्रतिष्ठान से नहीं डरा था, वैसी ही स्थिति पिछले 10 सालों के दौरान अघोषित आपातकाल में भी थी। गर्ग साहब आगे लिख रहे हैं कि मीडिया के लिए अपनी नई भूमिका पर विचार करना इसलिए जरूरी हो गया है कि जिस एक परिवार और उसके नेता को पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के द्वारा सबसे ज्यादा निशाने पर लिया गया, वह 4 जून के नतीजों के बाद जनता के बीच सरकार से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा है। पिछले चुनाव की तरह इस बार विपक्ष अपने हताहतों की गिनती में नहीं पड़ा, वो नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार पर नए हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। बात सही है। गर्ग साहब आगे लिख रहे हैं कि सवाल ये है कि चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार की कृपा से एनडीए को जिस तरह का अस्थाई बहुमत मिल गया है, वह अगर नहीं मिलता और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का दावा पेश करने काबिल सीटें मिल जाती, तब भी क्या ये जो मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम दंगलों के जरिए टीआरपी बढ़ाने में जुटा रहता या सार्थक बहसों के लिए नए मुद्दों की तलाश करता? सवाल ये है। गर्ग साहब आगे लिखते हैं और मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थाएं हैं तो उनके बारे में यही कहा गया है कि सत्ता में चाहे जो व्यक्ति या पार्टी रहे। भाई दुनिया में जितने भी मीडिया संस्थान जो कि प्रतिष्ठित हैं, जिनकी की विश्वसनीयता है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, उन सब के बारे में यही कहा जाता है, जो लिख रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं, उन सबके बारे में यही कहा गया है कि सत्ता में चाहे जो भी पार्टी या व्यक्ति रहे, वो मीडिया संस्थान जो है वो हमेशा एक एडवर्सरी यानी कि प्रतिपक्षी की भूमिका में रहते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। सिर्फ रहते नहीं है, उस पर गर्व करते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी एक दल को एकाधिकार पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाए तो विपक्ष से बड़ी चुनौती मीडिया के सामने खड़ी हो जाती है। लोकतंत्र में आमतौर पर यह होता है। गर्ग साहब आगे लिख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का नशा जैसे जैसे कम होगा, बदली हुई जो जनता है वो सरकार और मीडिया दोनों को ही कटघरों में खड़ा करने वाली है। ये पूछा भी जाने लगा है कि मीडिया अब क्या करने वाला है। एक बात अभी से नजर आने लगी है कि राजनीतिक तौर पर कमजोर होकर उभरे मोदी
मीडिया पर नियंत्रण को और कसने की कोशिश कर सकते हैं। वे कतई नहीं चाहेंगे कि मीडिया राहुल गांधी और उनके नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के प्रति किसी भी तरह की उदारता दिखाएं। तय अब मीडिया को करना है कि बदली हुई परिस्थितियों में भी वह किसके एजेंडे पर काम करने वाला है, एक कमजोर हुकूमत के या फिर ताकतवर जनता के। यहां पे कर्क साहब का आलेख समाप्त होता है। तो मैंने ये पूरा आपको पढ़ के सुना है। आने वाले दिनों में, अभी से लेके आने वाले दिनों में, इस देश के मीडिया की जो है वो लाइन क्या होनी चाहिए, वो किसके एजेंडे में काम करेगा, बड़ा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मजबूत जनता या मजबूर सरकार के किसके साथ खड़ा रहेगा मीडिया, क्योंकि जनादेश जो है बड़ा साफ है और मीडिया हमेशा जो है, चाहे कोई भी हो सत्ता में या कोई व्यक्ति हो या पार्टी हो, लेकिन उसके प्रतिपक्षी के तौर पर जो है, एडवर्सरी के तौर पर खड़ा रहना, यही जो है वो सही काम होता है मीडिया का। और सिर्फ सही नहीं होता, गर्व लेने लायक होता है, जो कि यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में, तो बता दिया। अब आपकी बारी है, आप इसको सुन के आपको क्या लगा, कैसा आपने महसूस किया, आपके मन में क्या विचार आए, आप लिख के कमेंट करके हमको जरूर से बताएं। बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।